नमस्कार, म सलिना। तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ खबर एक झलक एसके लाइभमा। This program is brought to you by Dear Saptahik Lottery, केवल 6 रुपैयामा अनि जित्नु होस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। Dear Saptahik Lottery, भाग्य बदलिने बाटो। दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टले एक प्रेस विज्ञप्ति मार्फत घोषणा गरे कि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अक्टोबर 20, 2024 मा बागडोग्रा एयरपोर्ट नयाँ टर्मिनल परियोजनाको पहिलो चरणको शिलान्यास गर्ने बताएको छ। बागडोग्रा एयरपोर्ट उत्तर बङ्गाल सेवा गर्ने एकमात्र व्यावसायिक एयरपोर्ट, दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, जलपाइगुडी, अलिपुरद्वार, कुचबिहार र अन्य क्षेत्रहरूमा ठूलो जनसङ्ख्यालाई पुरा गर्दछ। यसले सिक्किम, आसाम, बिहार र छिमेकी देशहरू जस्तै भुटान, नेपाल र बङ्गलादेशका यात्रुहरूलाई पनि सेवा दिने बताएको छ, जसले यसलाई पश्चिम बङ्गालको दोस्रो व्यस्त एयरपोर्ट बनाउनेछ। पछिल्लो दशकमा बागडोग्रामा दैनिक 3,000 वटा 10,000 यात्रुको आवत जावत भएको छ भने उडान सङ्ख्या 20 बढेर झन्डै 60 पुगेको खबर प्राप्त भएको छ। विगतमा आएको अविरल वर्षाको कारणले रेलिङ ग्राम पञ्चायत अधीनस्थ अप्पर सम्सु शेर्पा गाउँमा अधिकांश गाउँ नै चर्किएर बग्ने स्थिति भएको छ। आज रेलिङ ग्राम पञ्चायतका कर्मचारीगण अनि क्षेत्रीय सभासद सतीश पोखरेलले स्थलगत भ्रमण गरे। रेलिङ खोला गाउँ बारी मुनिदेखि उकालो चैते हुँदै अप्पर सम्सु शेर्पा गाउँसम्मको जमिन चर्किएको छ। गाउँबारीमा अहिले पनि पहिरो चलिरहेको छ भने उक्त क्षेत्रमा लगभग 1200 फिट क्षेत्रफल नै चर्किएको छ। अर्कोतिर अप्पर सम्सु प्राथमिक पाठशाला नजिक जयकुमार सुवेदी अनि सञ्जय सुवेदीको घरमाथि 3 बारी चर्केर घर समेत पूर्ण रूपमा क्षति पुर्याएको छ भने गाउँलेहरूले विभागप्रति सहयोगको गुहार लगाएका छन्। क्षेत्रीय सभासद सतीश पोखरेल अनि ग्राम पञ्चायत प्रधान सारिका राईले विभागको तर्फबाट यथाशीघ्र सहयोग पुर्याउने गाउँलेहरूलाई वचन दिएका छन्। तिनधारे मानदी समष्टि अन्तर्गत घैयाबारीको मानेडाँडा क्षेत्र पर्यटकीय दृष्टिकोणमा प्रशस्त सम्भावना देखिएको छ। घैयाबारीको गुरुङ गाउँदेखि केही माथितिर रहेको मानेडाँडा क्षेत्रमा पर्यटकीय स्थलहरू बनिन सक्ने सम्भावना प्रशस्त देखिएको छ। यहाँ धार्मिक पर्यटकीय स्थलको लागि सम्भावना धेरै देखिएको छ, किनकि यहाँ वैष्णोदेवी मन्दिर छ भने नजिकमै गुरुङ गुम्बा पनि रहेको छ, जसले पर्यटकहरूलाई आकर्षित पार्न सफल बन्ने सम्भावना देखिएको छ। खरसाङ नगरपालिकाको पूर्व भाइस चेयरम्यान तिल कुमार थापाको निधनमा गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनको प्रमुख कार्यपाल अनित थापाले श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन्। खरसाङ नगरपालिकाको पूर्व भाइस चेयरम्यान तिलक कुमार थापाको निधनमा खरसाङको हाट बजार स्थित डोको लाइन क्षेत्रमा रहेको निवासस्थलमा पुगेर श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन्। सिलगढी जिल्ला अस्पतालबाट नवजात शिशुको शव गायब भएपछि घटनाको खिलाफमा डिआइएफआईले विरोध गर्दै अस्पतालमा ज्ञापन बुझाएको छ। हवस् त दर्शकवृन्द, अहिलेलाई यति नै। हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ। यति धेरै हेयरफल हुन्छ कि म त दिक्क भइसके। बाथरूम त एन्टी हेयरफलको दोकान नै भइसक्यो अनि मेरो शिर एन्टी हेयर नै रह्यो। त्यसपछि मेरो फ्रेन्डले मलाई रेकमेन्ड गर्यो सोमानी वेलनेसबाट हेयर गमी प्याक्ड विथ जिंक एन्ड बायोटिन फ्रम माई हेयर। अब मेरो बाथरूम भयो एम्टी र हेयर हेल्दी। हेयर गमी उपलब्ध छ सोमानी वेलनेसमा, फर्स्ट फ्लोर, सोमानी बिल्डिङ, न्यू मार्केट, गान्तोक। सॉरी पापा, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इट्स ओके बेटा, चलो दोबारा मेहनत करते हैं। सूर्या है, सुकून है। क्या आप चाहते हैं अपने बच्चे के लिए बेहतर भविष्य? तो सुनिए, मयूर स्कूल सिलीगुड़ी और मेयो कॉलेज अजमेर लाए हैं इंटेलेक्ट क्वेस्ट। क्लास 1 से 8 तक के बच्चों के लिए एक सुनहरा अवसर, 40% तक की स्कॉलरशिप पाएं ट्यूशन फीस पर। रजिस्टर करें 10 अक्टूबर 2024 तक। 20 अक्टूबर 2024 को होगा परीक्षा। मयूर स्कूल उत्तर बंगाल और सिक्किम का सर्वश्रेष्ठ बोर्डिंग स्कूल। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आधुनिक सुविधाओं के साथ हम बनाते हैं हर बच्चे को एक स्टार। अधिक जानकारी के लिए कॉल या व्हाट्सएप करें 9046972823। इंटेलेक्ट क्वेस्ट, आपके बच्चे के उज्जवल भविष्य की नींव। जल्दी करें, सीटें सीमित हैं। नमस्ते मैम। डाइनिंग टेबल? जी मैम, आइए बैठिए मैम। सच में श्रोते, बहुत बढ़िया है, एकदम जबरदस्त। सच में बहू, मान गए। वेरी गुड मॉम। और भी ऑप्शन है मैम। सोफा? जी मैम। श्रोते, क्या सोफा है? और भी ऑप्शन है मैम।
और भी ऑप्शंस अवेलेबल है मैम। अभी तो लोन लेना पड़ेगा। वो भी अवेलेबल है, बिल्कुल 0% इंटरेस्ट रेट में। आप बैठ कर, लेट कर, गद्दे पे उछल कर, हर तरीके से देख सकते हैं। हिमालयन केन फर्नीचर, सारे ऑप्शंस खुले हैं। क्या आप खास तोहफे की तलाश में हैं? सिल्वर स्टोरी में आपका स्वागत है। पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए चांदी के यूनिक और शानदार आइटम्स की विशाल रेंज सिर्फ द सिल्वर स्टोरी में। यहाँ पाएं चांदी के इंपोर्टेड और हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी और गिफ्ट आइटम्स, एक्सक्लूसिव वाइन ग्लास, पर्स, बर्तन और पूजा की विशेष वस्तुएं। हमारी विशेषताएं ऐसे आइटम्स जो आपको सिलीगुड़ी में कहीं और नहीं मिलेंगे, और त्योहारों पर ज्वेलरी पर 5% की छूट। आपकी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइजेशन की सुविधा भी है। खास डिजाइन, अनोखापन, सिल्वर स्टोरी का है ये चलन। द सिल्वर स्टोरी, SF रोड, सिलीगुड़ी, बिसाइड चेतना नर्सिंग होम, 9832341000।